गुड इवनिंग दोस्तों। क्रिकेट एक सोशल कंसर्न और साथ साथ एक आइडियोलॉजी वाला वो खेल है जिसमें टीम स्पिरिट सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अगर हो तो इंडिविजुअल खेल ना खेलते हुए कोई भी बैट्समैन या कोई भी बॉलर टीम के लिए खेल रहा हो जो साफ दिखाई देता है, और ऐसा एटीट्यूड जहाँ साफ दिखाई दे उस मैच के बाद रिजल्ट्स तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन टोटल मैच के दौरान जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, वो बता देती है एक्चुअली क्या चल रहा है। एंड हेंस फॉर्थ आई हैव टाइटल्ड दिस वीडियो एज जायंट्स कमबैक क्रिकेट। एक्चुअली लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो पिछले मैच के बाद अब उसके जवाब में अब बेस्ट होकर आए, तो कैसे आए? एक छोटा सा स्कोर कार्ड बनाया मैंने, सिर्फ इतना है बिगिनिंग। आपको याद दिला दूं, 13 मई को ये मैच हुआ था और हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, दैट वाज प्लेड बिटवीन लखनऊ सुपर जायंट्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग करके ये 182 रन्स का टारगेट दिया था। नाउ कम टू द मेन पॉइंट्स ऑफ द वीडियो, वेरी लिटिल स्कोर कार्ड बट आई हैव मेड। लखनऊ सुपर जायंट फॉलोड द टारगेट ऑफ 182 रन्स, 182 रन का टारगेट उसको फॉलो किया। हाउ? प्रेरक मांकड़ स्ट्रक हिज फर्स्ट हाफ सेंचुरी। इसी मैच में प्रेरक मांकड़ ने अपने क्रिकेट लाइफ की फर्स्ट हाफ सेंचुरी दी है। सेकेंड वन निकोलस पूरन, 48 रन्स ओवर 25 बॉल्स, स्ट्रक सिक्सेस, थ्री सिक्सेस वर 101 मीटर, 100 मीटर एंड 110 मीटर्स लॉन्ग रेस्पेक्टिवली फॉर सेकेंड एंड थर्ड, थ्री सिक्सर्स। देन प्रेरक मांकड़ एंड मार्कस स्टोइनिस कंट्रीब्यूटेड 73 रन्स, टीम के लिए 73 रन्स कंट्रीब्यूट किए दोनों ने। इसके बाद प्रेरक मांकड़ एंड निकोलस पूरन कंट्रीब्यूटेड 54 रन्स। एक पॉइंट ऐसा आया इस मैच में कि 2 ओवर में 14 रन बनाने थे, सो फाइनली अचीव्ड, दीज प्लेयर्स फाइनली अचीव्ड द क्लोजर टारगेट। क्लोजर टारगेट क्या था? 14 रन्स ओवर टू विद इन 2 ओवर्स, 14 रन लेने थे 2 ओवर्स में, सो फाइनली अचीव्ड द क्लोजर टारगेट ऑफ 14 रन्स Within 2 ओवर्स, leaving behind 4 balls unthrown, 4 balls बची थी फेंकने के लिए, लेकिन टारगेट पूरा हो गया। As forth, and that's why only ये जो ग्रीन asterisk लगे हुए हैं, ये ग्रीन as these green asterisks were the sign of team on prime concern। ये तीन जो players थे, प्रेरक मांकड़, निकोलस पूरन एंड मार्कस स्टोइनिस, इनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि टीम सबसे ऊपर है और उसके ऊपर फिर क्रिकेट है, क्रिकेट इज अबव ऑल। सो टीम ऑन प्राइम कंसर्न क्वाइट क्लियरली विजिबल ओवर हियर, एंड फाइनल अचीवमेंट ऑफ द टारगेट, क्लोजर टारगेट, दिस एक्सप्रेस्ड द क्रिकेट ऑन प्राइम विन। क्रिकेट प्राइम विन होती, सबसे प्राइम विन पर क्रिकेट ही होती है, क्रिकेट ही जीतती है। सो व्हाट एवर आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट द पर्सनैलिटी ऑफ प्रेरक मार्कस एंड निकोलस पूरन इज इन साइनर्जी विद साइनर्जी इन तालमेल था किसमें? द पर्सनैलिटी ऑफ प्रेरक मार्कस एंड निकोलस इज इन साइनर्जी विद देयर टीम एंड देयर सोशल कंसर्न। इनकी पर्सनैलिटी इन दो चीजों के तालमेल में थी, टीम के साथ तालमेल में थी
और उनका सोशल कंसर्न हर प्लेयर का अपना होता है, विच अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट्स द सोशल कंसर्न ऑफ एंटायर टीम एंड द एक्सेलेंस ऑफ द परफॉर्मेंस। बस इतना ही कहना था। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। आज इतना ही। गुड नाइट।